नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप भी सीआईडी इंस्पेक्टर अभिजीत को एक बेहतरीन एक्टर मानते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए, और अगर आपको सीआईडी शो देखना पसंद है तब भी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो साइड में जो रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसको प्रेस करके जो घंटी का बटन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, बिकॉज हमारे चैनल पर आपको क्रिकेट, पॉलिटिक्स और बॉलीवुड से जुड़ी सारी ताज़ा खबर सबसे पहले देखने को मिलती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों, सीआईडी शो जो कि अभी फिलहाल सोनी पे नहीं आ रहा है, वो ये जो शो है ये बहुत ही जल्द वापस आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ऑफिशियल अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुआ है लेकिन इस पर काम चल रहा है, और बहुत ही जल्द हमको इंस्पेक्टर दया, इंस्पेक्टर अभिजीत और जो एसीपी प्रद्युमन है जो कि सीआईडी के शो के मुख्य किरदार है, और ये सीआईडी शो बहुत ही जल्द सोनी पे वापस आने वाला है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं मेन खबर की तरफ। तो दोस्तों अभी सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि जो इंस्पेक्टर अभिजीत है उनका मुंबई में एक सड़क दुर्घटना में दुखद मौत हो गई है। तो दोस्तों आप वीडियो में बने रहिए और मैं आपको बताता हूँ जो सच्चाई है वो क्या है। दोस्तों ये सब जो न्यूज़ है ये सुनने के बाद मैंने ट्विटर पे और फेसबुक पे जाके फॉलो किया अभिजीत सर को, और उनके जो पोस्ट है वो देखे, और यूट्यूब पे भी कई सारे वीडियोस देखे जिनमें बताया जा रहा था कि अभिजीत सर का मौत हो गया है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जो सच्चाई है वो ये है कि अभिजीत सर का ये जो मौत की खबर है ये पूरी तरह से फेक है। अभिजीत सर को कुछ भी नहीं हुआ है और बहुत ही जल्द हमको सीआईडी के शो में वो वापस देखने को मिलेंगे। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ मैं आपको जो सही इन्फॉर्मेशन है वो दे पाया हूँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलता हूँ आप सबसे अगले वीडियो में।